हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी। इसका बेस भी हम घर पे बनाएंगे और इसको आज हम बाटी वाले ओवन में तैयार करेंगे। ये एकदम यम्मी बन के तैयार होगा। इसको आज हम बाटी वाले ओवन में बनाएंगे। आप इसको कढ़ाई में भी आसानी से बना सकते हैं। इसका बेस भी हम घर पे तैयार करेंगे और वो भी गेहूँ के आटे से। चलिए स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति रावत। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सबसे पहले हम पिज्जा का बेस बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कप गेहूं का आटा लेंगे। इसमें मैंने आधा कप मैदा यूज किया है। आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने एक चम्मच शक्कर ली है, आधी छोटी चम्मच से भी कम नमक डाला है, एक चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाला है, ये मैंने दो से तीन छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें आज मैं आटा दही से लगाऊंगी। आज ये पिज्जा बेस के लिए आटा मैंने दही से लगाया है। आप चाहें तो थोड़ा आधा दही भी यूज कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें डाल के आटा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आज आटा दही से लगा के तैयार किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ऐसे पटक पटक कर इसका आटा तैयार कर लेंगे। ये आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया है। इसको मैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो 30 से 40 मिनट के लिए भी इसको रख सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट में भी ये बनके तैयार हो जाता है। आटा हमारा तैयार हो गया है। इसकी अब हम लोई कट कर लेते हैं। इसकी मैं अच्छे से लोई कट कर लेती हूँ इक्वल साइज की। थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए मैं इसको रोल कर रही हूँ। इसकी मैं एक नाइफ की मदद से लोई बराबर साइज की कट कर लूंगी। इसकी मैंने लोई कट कर ली है। इतनी आटे की 4 लोई कट हुई हैं। इसको अच्छे से रोल कर लेंगे और इक्वल साइज की लोई बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको अच्छे से प्रेस करते हुए दबा के प्रेस करते जाएंगे और थोड़ा सा बेलन से अच्छे से बेल लेंगे। इसको ना ज़्यादा पतला बेलना है और ना ज़्यादा मोटा बेलना है। मीडियम साइज का इसको हमें बेल के तैयार करना है। देखिए, मैंने बेल लिया है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इतना मोटा ये होना चाहिए। इसको हम एक फोक की सहायता से प्रिक कर लेंगे। इसमें हम अच्छे से छेद कर लेंगे, जैसे मार्केट वाले पिज्जा बेस में होते हैं ना, सेम वैसे ही इसमें भी हम प्रिक करके इसको रेडी कर लेंगे। इससे हमारा पिज्जा बेस फूलेगा नहीं। ऐसे ही हम दूसरा पिज्जा बेस भी बेल के तैयार कर लेंगे। वो भी मैंने बेल लिया है और यहाँ मैंने अपना बाटी का ओवन गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। बाटी का ओवन प्री हीट हो चुका है। अब मैं अपना पिज्जा बेस इसमें रख दूंगी। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए ही हमें इसको पकाना है। इसको पलट के दोनों साइड से हल्का हल्का भी हमें पकाना है। ज़्यादा हमें इसको क्रिस्पी नहीं करना है, क्योंकि ये बाद में भी पकेगा ना थोड़ा, इसलिए हमें इसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही पकाना है। पिज्जा बेस बन के तैयार हो गया है। ढक के मैंने दोनों साइड से इसको अच्छे से पका लिया है। ऐसे ही मैं दूसरा पिज्जा बेस भी सेक के तैयार कर लूंगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बाजार से भी अच्छा पिज्जा बेस घर पे बन के तैयार हुआ है। पिज्जा बेस मैंने सेक के तैयार कर लिए हैं। ये देखो, आटे से बने हुए पिज्जा बेस बन के बिल्कुल तैयार हैं। मार्केट से भी अच्छे पिज्जा बेस बन के तैयार हुए हैं, वो भी गेहूं के आटे से। इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही मैदा यूज किया है। आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं। इधर मैंने
पिज्जा की टॉपिंग के लिए सब्जियां ले ली हैं, शिमला मिर्च, ऑनियन, टोमेटो, इन सब की मैंने सीड्स निकाल दिए थे। ये मैंने 200 ग्राम पनीर और मोजरेला चीज़ ले लिया। इसमें मैंने टोमेटो केचप स्प्रेड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें मेयोनीज डालूंगी। यहाँ मैंने मेयोनीज ले लिया है, मेयोनीज भी डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने सेजवान चटनी ली है। यहाँ आप चाहें तो सेजवान चटनी की जगह पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अब इसमें मैं पनीर ग्रेट करके डाल दूंगी। पनीर मैं अच्छे से ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो पूरा ही चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन पनीर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इधर सबसे पहले पनीर ग्रेट करके डाल दिया है। इसके ऊपर मैं अब टॉपिंग अपनी सब्जियों की लगाऊंगी। आप यहाँ सब्जियाँ अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ मैंने कैप्सिकम को भी अच्छे से अरेंज करती जा रही हूँ। सारे टमाटर के और कैप्सिकम के मैंने सीड्स निकाल दिए थे। अब मैं इसमें अनियन के भी पीसेस अच्छे से लगाती जा रही हूँ। आप चाहें तो ब्रोकली भी लगा सकते हैं और आप अपने मन पसंद की इसमें सब्जियां अरेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने पनीर के क्यूब कट करके रखे थे, वो भी मैंने इसमें अरेंज कर दिए हैं। इसकी टॉपिंग आप अपने अनुसार कैसी भी कर सकते हैं, जो भी सब्जियां आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बॉयल किए हुए भुट्टे के दाने डाले हैं। इसको मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था। ये भी मैं अच्छे से डाल दूंगी। सब्जियां आपको जो भी पसंद हो या आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। पिज्जा पे डाल दूंगी चिली फ्लेक्स से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें ये मिक्स हर्ब्स है, इसको भी मैं अपने पिज्जा में डाल दूंगी। आप चाहें तो ओरिगेनो या फिर पिज्जा सीजनिंग, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर दिया है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब एक चुटकी मैं यहाँ पे नमक भी ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी, थोड़ा सा सब्जियों के ऊपर नमक का टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। वो भी मैंने अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं सबसे लास्ट में इसमें चीज ग्रेट करके डाल दूंगी। ये मैंने मोजरेला चीज लिया है, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको भी मैं अच्छे से ग्रेट करके डाल दूंगी। यहाँ मैंने एक ट्रे को घी से ग्रीस कर लिया है। घी से ग्रीस करना जरूरी होता है, इससे हमारा पिज्जा नीचे चिपकता नहीं है। इसको अब हम पिज्जा को ट्रे में रख लेंगे। थोड़ा सा मैं घी डाल दूंगी साइड साइड में, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ मेरा बाटी का ओवन प्री हीट हो चुका है, इसको मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। आप चाहें तो इजीली इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब हमें सिर्फ इसको इतना पकाना है जितने में हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि सब्जियां तो हमें क्रंची ही रखना है। यहाँ मैंने दूसरा भी पिज़्ज़ा बना के रेडी कर लिया है। ये पिज़्ज़ा मेरे बेटे ने डेकोरेट किया है। एक बार हम चेक कर लेंगे। देखिए चीज़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है, इसका मतलब ये पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैंने और भी पिज्जा बना के रेडी कर लिए हैं। हमारे उतने आटे से 4 पिज्जा बन के रेडी हुए हैं। पिज्जा हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा, एकदम बाजार से भी अच्छा गेहूं के आटे से बना हुआ पिज्जा बनकर रेडी हुआ है। इसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। इसका बेस भी एकदम बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुआ।
एकदम मुंह में पानी आने वाला पिज्जा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसका बेस भी देखिए आप, बेस भी एकदम मार्केट से भी अच्छा बेस बनके तैयार हुआ है। इसको आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए।